लाल मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं करते, बिल्कुल यूज़ नहीं करते। इसका जायका जो निकलता है वो हरी मिर्च और काली मिर्च और नमक डाल के निकाल लेते हैं। एक मसाले वाला रोस्ट है और एक हम बनाते हैं दम पोख, जो देग में बनाते हैं वो तकरीबन 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। जी, और हमारे पास वो भी है एक डिश सालम दुम्बा। सालम दुम्बा हमारे पास जो चावल वगैरह बटेर वगैरह डाल के वो बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रक अड्डा, जहाँ पर फजल शनवारी रेस्टोरेंट पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है शनवारी कढ़ाई जो है काफ़ी मशहूर है, लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर कढ़ाई खाने आते हैं। आज यहाँ हम बात करेंगे इनके ओनर से कि कढ़ाई में जो है ऐसा क्या मिलाते हैं कि लोग जो है काफ़ी दूर दूर से आते हैं, और इसकी मकबूलियत की वजह क्या है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फजल शनवारी के ओनर। फजल जो हैं उनके ये भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है 24 घंटे इतना रश क्यों लगा होता है, और यहाँ की जो दुम्बा कढ़ाई है उसकी क्या खासियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। खासियत तो आप समझ रही हो कि मतलब सादा खाना है, और ये हमारे रवायती मतलब डिश है शनवारी का, जो रवायती डिश है वो शनवारी मतलब ये दुम्बा है। हम ज़्यादा लोग इनको मतलब पसंद करते हैं, और यहाँ पर लाहौर के भाई ज़्यादा पसंद करते हैं दुम्बे को, और सबसे आला खाना भी है, डिश भी अच्छा है। तो इस शॉप को कितना अर्सा हो गया है? तकरीबन 3-4.5 साल हो गए इनके शॉप को। जी, तो आपने स्टार्ट यहीं से किया था? जी बिल्कुल, यही से किया था हमने स्टार्ट। तो कढ़ाई में आप कौन कौन से मसाला जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि उसका जायका मुनफरिद है? मैडम इसमें 3-4 किस्म के मतलब अदरक हो गया, लहसुन हो गया, और ये हरी मिर्च हो गया, और नमक हो गया, टमाटर वाली, बस ये चीज़ें यूज़ करते हैं। काली मिर्च यूज़ करते हैं बिल्कुल ऐसे। ऑयल से बनाते हैं या दुम्बे की चर्बी वगैरह किससे आप बनाते हैं? मैडम अगर लोग असल में तो अगर उसमें अच्छा चर्बी में आ जाए, जो उसकी अपनी चक्की होती है उसमें पकाया जाए तो जायका अच्छा आ जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर मतलब चक्की को ज़्यादा पसंद की, इस वजह से हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कहे कि मतलब हमारे लिए चक्की में बना दे, तो उनके लिए हम चक्की में बनाते हैं, और टेस्ट जायका जो आ जाता है वो चक्की में ही आ जाता है बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारी इसी तरह शॉप्स देखी हैं, लेकिन वो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करती हैं, गैस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आप जो है लकड़ी से बना रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह ये प्रेशर में मैडम उसका जायका उस तरह नहीं निकलता, और दूसरी बात हम ना गैस यूज़ करते हैं ना मतलब प्रेशर यूज़ करते हैं, हम लकड़ी का यूज़ करते हैं। इसकी वजह ये है कि मतलब इनका जायका जो होता है वो मतलब अच्छा आ जाता है। लकड़ी में जायका अच्छा आ जाता, उसकी जो क्या नाम है गैस हो गया और प्रेशर हो गया, उसमें उस तरीके का जायका नहीं आ जाता। तो एक कढ़ाई को बनने में कितना टाइम लगता है? ये तकरीबन 1.25 घंटा लग जाता है कढ़ाई को बनने में। तो यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं ज़्यादा? मैडम अंदर शहर के लोग भी आते हैं, दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं लोग खाने वास्ते है।
तो आपने यही जगह का इंतखाब क्यों किया? असल में ये मार्केट एक तो दुम्बे का मतलब मशहूर है, तो इसमें आप मसाला जात सबसे ज़्यादा जो है क्या इस्तेमाल होता है, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, इसका जायका किस तरह आप निकालते हैं? मैडम यहाँ पर तो हम काली मिर्च यूज़ लाल मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं करते, इसका जायका जो निकलता है वो हरी मिर्च और काली मिर्च और नमक डाल के निकाल लेते हैं। पठान वैसे भी ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते, तो ये तो लाहौरी है ना, लाहौरी तो तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं। असल में मैडम हम जो बनाते हैं हमारी जो पेशावरी कढ़ाई है उसमें ना अदरक ना लहसुन हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च और ये क्या नाम है नमक यूज़ करते हैं और दो तीन टमाटर डाल के। लेकिन यहाँ पर लोग मतलब कहते हैं कि मतलब इसकी स्मेल आ जाती है, तो इसकी वजह से हम अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपके पास कौन कौन सी खाने में कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं? हमारे पास वैरायटी तो दुम्बा ही है, लेकिन इसमें हमारे पास डिश काफ़ी है। कौन कौन सी? हमारे पास डिश है टमाटर वाली कढ़ाई है जो हम कहते हैं शिनवारी कढ़ाई। अच्छा। उसके बाद नमकीन कढ़ाई है जो सुलेमानी कढ़ाई कहा जाता है, और उसके बाद तीसरी कढ़ाई हमारे प्याज वाली कढ़ाई है हमारे पास, टिक्का है हमारे पास बारबेक्यू, और रोस्ट है हमारे पास दो किस्म के, एक नमकीन रोस्ट है एक मसाले वाला रोस्ट है, और एक हम बनाते हैं दम पोख जो देग में बनाते हैं वो तकरीबन 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। जी जी, और हमारे पास वो भी है एक डिश सालम दुम्बा हमारे पास जो चावल वगैरह बटेर वगैरह डाल के वो बनाते हैं। तो लोग जो है ज़्यादा फरमाइश किस चीज़ की करते हैं, ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? ज़्यादा लोग यहाँ पर मैडम कढ़ाई पसंद करते हैं, टिक्का और कढ़ाई ज़्यादा पसंद। रोस्ट भी हमारे पास आला रोस्ट है, ज़बरदस्त रोस्ट है, आला रोस्ट है। अगर भाई ज़्यादातर लोग आ जाते हैं कढ़ाई और रोस्ट टिक्का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन भाई से यही मशवरा कहूँगा कि हमारा रोस्ट चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आए। कढ़ाई तो आपने आम जगह खाई होगी, हमारे पास जो दम पुख है रोस्ट है, मसाले वाला रोस्ट है, नमकीन रोस्ट है, आप बेशक ये ट्राई कर ले तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो यहाँ जो गोश्त इस्तेमाल होता है वो डेली न्यू होता है या पुराना भी इस्तेमाल करते हैं, और वो किस तरह लोग जो हैं उनकी फरमाइश भी करते हैं? मतलब गोश्त का हिस्सा होता है ना, किसी को कुछ पसंद होता है किसी को कुछ, उसके मुताबिक करते हैं। और आपका कितना डेली का गोश्त जो है इस्तेमाल होता है और कितने दुम्बे जो है आपके ज़िबा हो जाते हैं एक दिन में? मैडम हमारे पास तो रोज़ाना मांस आ जाते हैं, और हमारे पास जितने भाई कस्टमर आते हैं तो मतलब जो भाई जो जगह जिस जगह से पुट कहते हैं, दस्ती करते हैं, रान कह देते हैं, शाम कह दे, तो मतलब कोशिश हमारी ये होती है कि मतलब वही चीज़ दे, और ये वही चीज़ हम देते हैं, जो चीज़ भाई मांग लेते हैं वही चीज़ हम दे देते हैं, और रोज़ाना मांस हमारे पास आ जाते हैं, रोज़ाना हमारे पास मांस आते हैं। तो आपकी स्पेशलिटी जो है वो दुम्बा कढ़ाई है, शिनवारी जो है, या दम बुख्त वगैरह? हमारे पास मैडम हमारा हर चीज़ माशाल्लाह अच्छा है। अच्छा। लेकिन लोग ज़्यादा जो पसंद करते हैं पंजाबी भाई जो पसंद करते हैं, हमारे पठान तो पसंद करते हैं रोस्ट, और पंजाबी भाई जो पसंद करते हैं वो कढ़ाई पसंद करते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप बेशक, मैंने पहले भी बताया मैडम कि आप रोस्ट चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएंगे उनको। तो यहाँ पर ज़्यादा पठान आते हैं कि दूसरे लोग भी आते हैं, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मैडम यहाँ पर तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि शहर के लोग भी आ जाते हैं, इधर उधर लोग भी आ जाते हैं, मिस्र शाह हो गया, गुलबर्ग हो गया, शाहदरा हो गया, दूर दूर से लोग आ जाते हैं। तो आप ब्रांचेस के बारे में बताएं कि लाहौर में आपकी एक ही ब्रांच है फजल शिनवारी, या इसके अलावा भी दीगर ब्रांची हैं? मैडम हमारे तो अभी यही ब्रांच है, लेकिन ईद तक इंशाल्लाह जो एक ब्रांच खोल रहा है भगवानपुरा पे, तो इंशाल्लाह ईद तक वो भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या आपकी स्पेशलिटी होगी, कढ़ाई या इसके अलावा दीगर जो है? नहीं मैडम यही मतलब जो डिश यहाँ पर मिलती है वही डिश वहाँ पर भी इंशाल्लाह होगी। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फजल शिनवारी के सीनियर शेफ, इनसे बात करेंगे ये कढ़ाइयों में जो है कौन से मसाला जात डालते हैं जिसे कढ़ाई जो है काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, और इसमें जायका किस चीज़ का निकलता है, और ये क्या चीज़ें और कौन से मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इनायत। तो आपको कितना अर्सा हो गया है इस शोबे में? मुझे तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं। तो आप यहाँ की मशहूर डिश कौन सी है? हमारे पास नमकीन रोश भी है, सुलेमानी कढ़ाई भी है, प्याज वाली कढ़ाई भी है, ये मसाले वाली कढ़ाई है। हाँ जी। इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटीज है खाने में? खाने में सबसे ज़्यादा जो है ना ये मसाले वाली कढ़ाई इस्तेमाल होती है, और सुलेमानी कढ़ाई इस्तेमाल होती है, और हमारा मसाले वाला रोश है वो बहुत मशहूर है।
तो सुलेमानी कढ़ाई और शनवारी कढ़ाई, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ये फ़र्क है, ये मसाले वाली कढ़ाई है जो ठीक है जो मैं बना रहा हूँ, और ये जो है ना ये नमकीन है, ठीक है ना, ये काली मिर्च और हरी मिर्च में तैयार होती हैं। ये कौन सी है जो काली मिर्च? सुलेमानी है। हाँ जी, और ये मसाले वाली है। तो एक वक्त में आप कितनी कढ़ाइयाँ जो है पका लेते हैं? रोज़ का हमारा तकरीबन यहाँ 200-250 किलो बिक जाता है। नहीं, अभी आपने ये जो चूल्हों पे रखी हुई है ये अभी एक टाइम में कितनी बना लेते हैं? मैं तकरीबन ये 10 कढ़ाइयाँ मैं अकेले बना लेता हूँ। हाँ जी, तो इसमें ज़्यादा मसाले कौन से इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास मसाला जो है ना यहाँ पे ये हरी मिर्च पड़ी है, ठीक है ना, अगर आपका कैमरा इसको दिखाए, ये हरी मिर्च पड़ी है, ये अदरक और लहसुन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये नमक है और काली मिर्च है। इससे ज़्यादा हम और कोई मसाले इस्तेमाल नहीं करते। लाल मिर्च वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ऑयल में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? सोफी की इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग आते हैं जो दुम्बे की जो अपनी चक्की होती है उसी में कढ़ाई तैयार होती है। तो लोग क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं ज़्यादा? ज़्यादातर सुलेमानी कढ़ाई और रोश होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशेर खान है। तो अभी आपने क्या ऑर्डर किया था, क्या खाया और किस तरह का टेस्ट लगा इनका? अभी हमने ऑर्डर किया था 4 किलो कढ़ाई का, और हम 5-8 दोस्त हैं, तकरीबन बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। एक दफ़ा इंसान जब खा लेता है तो उसका दिल में यही होता है कि दोबारा 2 दिन बाद इधर आके खाना खाएँ। जो भी इधर आके खाना खाएगा, एक बारी खाएगा इंशाल्लाह उसका ऐसा टेस्ट है कि हर हफ्ते में 2-3 बारी दिल उसका यही चाहेगा कि आगे खाना खाऊं। इसमें ऐसी क्या खासियत है कि लोग बार बार यहाँ का रुख करें? बस इधर बंदा आता है, खाना खाने आना पड़ता है, और इधर ज़रा टेस्टी भी बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से जो है ना यार दोस्त भी होते हैं, चलो टाइम भी पास हो जाता है। और खाने में हम हफ्ते में तकरीबन 2 बारी आते हैं, और फजल शिंगवाली पे ही आते हैं। तो कढ़ाई तो भी आपने खा ली, कहवा पी रहे हैं, इसके भी पैसे लिए या फ्री में ये दिया है? असल में कहवा कढ़ाई के बाद ये जो कहवा है ना, ये एक ऐसा चीज़ है कि जो खाया हो ना उसको भी हजम कर लेता है, और इसका टेस्ट भी अलग होता है, क्योंकि इनका कहवा जो है ना पेशावर से असल जो होता है वो लाते हैं। ये जो देख सकते हैं गोड़ जो है, ये अभी ऐसा है कि जो जेन्युइन चीज़ होती है, एक लंबर चीज़, माशाल्लाह ये फसल कढ़ाई वाले वो इस्तेमाल करते हैं। और इनका टेस्ट में मैं कहता हूँ कि काफ़ी इधर है, और इनका टेस्ट सबसे ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमने आपको फजल रेस्टोरेंट जो है इनके ओनर से बात करवाई, लोगों से जो है हमने पूछा कि वो यहाँ का रुख क्यों करते हैं, यहाँ का जायका जो है एक मुनफरिद जायका है, लोग दूर दूर से यहाँ इनकी कढ़ाई शनवारी कढ़ाई और सुलेमानी कढ़ाई जो है खाने आते हैं। इसके अलावा इनकी दीगर वैरायटीज़ भी हैं, आप लोग आएँ और यहाँ ज़रूर खाना जो है टेस्ट करें, इनका टेस्ट बहुत मज़े का है और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसे बहुत पसंद करते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने कहा। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।